हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम क्लास टेन साइंस वन का थर्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन उसका थर्ड पार्ट हम आज देखने वाले हैं उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो देयर आर फोर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड वन इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ए रिएक्शन को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन से उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पहले रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही नाम से ही हमें पता चलता है कि कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स वॉट वेन टू और मोर रिएक्टेंट कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू ए बी देखिए इस एग्जाम्पल में ए एंड बी ये क्या है दो रिएक्टेंट है दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं एंड कंबाइन होके एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और ये क्या है दोनों रिएक्टेंट तो हम क्या डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं वेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे इसका वेन अमोनिया रिएक्ट विथ एस सी एल वेन अमोनिया रिएक्ट विथ एस सी एल इट गिवस एन एच फोर सी एल ये देखिए ये सिंग कॉम्बिनेशन uh, रिएक्शन इसमें क्या है टू रिएक्टेंट कौन से कौन से हैं अमोनिया प्लस एस सी एल ग्यूज़ अमोनियम क्लोराइड मीन्स वेन टू रिएक्टेंट कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो अभी हमने ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं अगर ये इम्बैलेंस रिएक्शन है तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे एन एच नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल सिंगल है यहाँ पे हाइड्रोजन थ्री और एक कितना है चार यहाँ पे भी चार है उसके बाद में सी एल सी एल एक एक नंबर में है तो ये क्या है बैलेंस इक्वेशन है अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम प्लस ओ टू यूज मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे देखिए अभी हम कैसे रीड कर सकते हैं इस रिएक्शन को वेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पे देखिए ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है दो नंबर में है इतना कि यहाँ पे कितना है ओनली सिंगल तो हमें इसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा तो मेटल एम जी सेम है लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे दो नंबर में है तो यहाँ पे हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी टू एम तो यहाँ पे अगर टू मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी हमें लाना है तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू एम जी से तो अब देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ क्या एम जी दो यहाँ पे भी दो यहाँ ऑक्सीजन के दो एलिमेंट है यहाँ पे भी दो है तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि वेन टू रिएक्टेंट कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसके बाद में हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अपोजिट है कैसे देखिए पहले हमने ये है एबी रिएक्टेंट और उससे फॉर्म होता है ये दो प्रोडक्ट तो देखिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वेन रिएक्टेंट ए बी ब्रेक और डिकम्पोज इंटू टू प्रोडक्ट ये कितने प्रोडक्ट हैं टू प्रोडक्ट और ये सिंगल रिएक्टेंट है ठीक है तो वेन रिएक्टेंट ए बी डिकम्पोज और ब्रेक इंटू टू प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ये हम अभी एग्जाम्पल दे के आपको बताएंगे सपोज देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इंटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी ए ओ प्लस सी ओ टू तो देखिए अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी तो क्या हो रहा है ये डिकम्पोज होके किस में फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होके रिएक्टेंट का दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर जिस रिएक्शन में हम हीट देते हैं तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन वेन वी गिव हीट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है ये क्या नहीं इसे हम चेक करेंगे अगर बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे देखिए सी ए सी ए सेम है कार्बन कार्बन सिंगल और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है तीन नंबर में यहाँ पे कितने हैं दो और एक तीन तो ये बैलेंस इक्वेशन है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सी ट्वेंटी टू सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ये है शुगर अगर हम शुगर को हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन होकर क्या फॉर्म होगा कार्बन प्लस क्या क्या फॉर्म हो सकता है यहाँ पे कार्बन प्लस एच टू ओ तो देखिए अभी वेन गिव हीट टू शुगर इट डिकम्पोज इन टू कार्बन एंड वाटर तो यहाँ पे हमें अभी इक्वेशन बैलेंस है क्या देखें यहाँ पे कार्बन कितना है ट्वेल्व यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे हाइड्रोजन है ट्वेंटी टू यहाँ पर टू तो पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे यहाँ पे कार्बन के कितने हैं एटम्स ट्वेल्व तो यहाँ पे हम ट्वेल्व लिख लेंगे तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का कार्बन क्या हो गया है बैलेंस हो गया उसके बाद में देखिए हाइड्रोजन कितना है ट्वेंटी टू है इधर टू है पहले हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे ठीक है यहाँ पे इलेवन है और यहाँ पे एक है तो हम यहाँ पे इलेवन लिख लेंगे ठीक है तो अब देखिए हमारा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं देखेंगे कार्बन कार्बन ट्वेल्व ट्वेल्व हो गया ठीक है उसके बाद में ऑक्सीजन इलेवन है यहाँ पे भी इलेवन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है ट्वेंटी तो यहाँ पे इलेवन इंटू कितना हो गया ट्वेंटी तो ये भी क्या होंगे बैलेंस हो गया है यानी वेन वी गिव हीट टू शुगर इट डिकम्पोज इन टू कार्बन प्लस वाटर वाटर एटमोस्फेयर में क्या होगा इवेपोरेट हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिसमेंट रिएक्शन तो देखिए डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी यहाँ पे ए क्या है मोर रिएक्टिव सपोज ए है मोर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और बी है लेस रिएक्टिव ठीक है तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या होता है वेन ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी यहाँ पे बी क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है क्यों बिकॉज ए यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है मोर रिएक्टिव एलिमेंट ए सी के साथ ज्वाइन हो जाएगा और बी जो लेस रिएक्टिव है वो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा उसके कंपाउंड से तो इसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है उसके कंपाउंड से तो द मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक्सप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड तो ये हम एग्जाम्पल से से एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट वेन रिएक्ट विथ आयन इट गिव्स यहां पे देखिए कॉपर सल्फेट और आयन एफ ई क्या है मोर रिएक्टिव है इट सो इट टेक्स द प्लेस ऑफ सी यू देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ आयन टू फॉर्म आयन सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे आयन क्या है मोर रिएक्टिव है सो इट टेक्स द प्लेस ऑफ सी यू तो यहाँ पे फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया है और किसको डिस्प्लेस किया है सी यू को डिस्प्लेस कर दिया है तो सी यू सेपरेट हो गया है दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद सेम एग्जाम्पल एक लेते हैं हम कॉपर सल्फेट प्लस पीबी इट फॉर्म्स पीबी एसओ फोर प्लस क्या फॉर्म हो रहा है यहां पे और सी यू डिसप्लेस हो गया है तो इस रिएक्शन में देखिए कॉपर सल्फेट वेन रिएक्ट विथ पी बी यहां पर पीबी लीड क्या है मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो पी बी रिएक्ट विथ एसओफो टू फॉर्म पी बी सल्फेट प्लस कॉपर इज डिसप्लेस तो ये है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद की रिएक्शन हम देखेंगे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन अब हम देखेंगे लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन लेने क्या होता है इस रिएक्शन में डिसप्लेसमेंट होती है डबल डिस्प्लेसमेंट डबल एक्सचेंज होता है जैसे कि ए एंड डी प्लस बी एंड सी तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस रिएक्शन में देखिए द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट यानी रिएक्टेंट साइड के आयन क्या कर रहे हैं एक्सचेंज हो रहे टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट हम सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ए जी थ्री प्लस एन ए सी एल ए सी एल टू फॉर्म एजीसीएल जो है प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड क्या यहाँ पे रिएक्शन होंगे एनएनओ थ्री यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा देखिए रिएक्शन कैसे एजी एनओ थ्री एक्वा प्लस एन ए सी एल वेन दिज कंबाइंड एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कहाँ से द आयन फ्रॉम रिएक्टेंट आर एक्सचेंज तो किसका एक्सचेंज होगा ए जी सी एल ए जी सी एल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है जिसे हम ऐसे इंडिकेट करेंगे क्योंकि वो इंसुलिबल सॉलिड रहता है एंड एन एनओ थ्री फॉर्म हो गया है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द आयंस फ्रॉम रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट और यहाँ पे वाइट कलर पाउडर फॉर्म हो गया है सिल्वर क्लोराइड का तो ये हो गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन